नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेन। आप देख रहे हैं यूपी टेट सी टेट मैथ क्लासेस। जैसा कि आप सभी का कल यूपी टेट का एग्जाम है, तो आज हम लोग 28 तारीख को जो पेपर हुआ था, 28 नवंबर को जो कि पोस्टपोन हो गया था, उसमें जो मैथ का सेक्शन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सवाल है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है 45, 55, 65 या 75। तो देखिए कैसे करना है। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, इसका मतलब 80% जो है वो कितना है, 60 है। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1% बराबर कितना आएगा, 60 बटे में 80, जीरो से जीरो कट गया, 2 3 6 2 4 8, 1% बराबर कितना आ गया, 4/3। तो हम 100% निकाल लेते हैं, 100% कितना आ गया, निकाल लेते हैं 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू 3/4, हमको 100% चाहिए तो हम 100 से गुणा कर देंगे, 4 से काट देते हैं कितनी बार में, 25 बार में, तो कितना हो गया, 3 × 25 = 75। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही। दूसरा सवाल देखते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ है, फिर विक्रय मूल्य, और यहाँ पे 5:4, मतलब क्रय मूल्य और दिया हुआ है क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 5/4। क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 4, मतलब वो कोई वस्तु खरीदा है 5 रुपए में और वह वस्तु को वह 4 रुपए में बेच देता है, तो उसको कितने की हानि हो गई, 1 रुपए की हानि हो गई। तो हानि बराबर कितना हो गया, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। क्रय मूल्य कितना है, 5 माइनस विक्रय मूल्य 4, कितना आ गया हानि, 1 आ गया। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत निकालना है, हानि कितने का हुआ है, 1 का हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 5 है, अब गुणे में 100, कितने की हानि हो गई, 5 × 10, 20 बार में कट गया, मतलब 20% की हानि हो गई, ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ऑप्शन दिया है 4। आइए देखते हैं, घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट में 3, ये होता है घन का विकर्ण, ठीक। तो घन का विकर्ण दिया है 8√3 बराबर भुजा 3। तो ये देखिए, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, भुजा बराबर 8, मतलब भुजा 8 सेंटीमीटर आ गई, भुजा बराबर 8। फिर क्या पूछ रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का, 6 × भुजा स्क्वायर, तो 6 × भुजा कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आया, 6 × 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया, 6 का गुणा कर दीजिए, 6 × 4 = 24, 2 × 6 = 36, 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, 384
सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त का व्यास कितना होगा? पाई का मान दिया हुआ है 22/7। ठीक, तो वृत्त के खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360। ठीक, तो वृत्त के खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 66/7, 66/7 दिया हुआ है। पाई का मान कितना है? 22/7, 22/7। ठीक, आर स्क्वायर, आर हमको निकालना है, व्यास, व्यास मिल जाएगा तो हमारा आर भी मिल जाएगा, तो आर स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री। ठीक, 120 और बटे में कितना? 360 है, 360। तो देखिए, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, इस सात से ये सात कट गया, और 22 को इससे काट देते हैं कितनी बार में? तीन बार में कट जाएगा। ठीक, तो ऊपर क्या बचा? यहाँ से हम इस 12 को भी काट देते हैं, 3 × 12। ठीक, बचा क्या हमारे पास? 36 बचा है, तो 4×9=36, 9 बार में ये भी कट गया। ठीक, तो सिर्फ बचा कितना? आर स्क्वायर बराबर, यहाँ 9 बचा, इधर जाएगा ये 9 हो जाएगा, तो आर बराबर, आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी आ गई 3, तो व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो आर बराबर 3 आया है, तो डी बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर है, व्यास ये दोगुना होता है, तो 2×3, डी हमारा कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3×4× उतना ही, या फिर 8× देखते हैं। वर्ग का किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल लिखा है कितना? विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर 2 ये लिखा हुआ है, तो कितना होता है? ए स्क्वायर बाई टू ये होता है। अगर हम इसको दो गुना करते हैं तो, अगर हम इसको दो गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a² / 2। ठीक, कितना हो गया ये? 2×2=4, a² / 2। ये तो है विकर्ण, विकर्ण स्क्वायर 2 ये होता है, यहाँ कितना आ गया? 4×2 मतलब 4× हो जाएगा। ठीक, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उसकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त अंतःस्पर्शी होंगे या बाह्य स्पर्शी, या प्रतिच्छेदित करेंगे या अनावृत करेंगे। तो आइए देखते हैं, दो वृत्त दिए हैं, उसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे O1। ठीक, अरे यहाँ पे वृत्त है कोई, उसका मान लेते हैं O2। तो कह रहा है वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी दिया हुआ है, उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है, तो त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ तक R1, और इसकी भी त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ तक R2। ठीक, कह रहा है केंद्रों के बीच की दूरी, ये जो केंद्र हैं इनके जो बीच की दूरी है, त्रिज्याओं के योग से कम है, मतलब ये जब त्रिज्या R1 R2 जोड़ेंगे उनके, उससे कम होनी चाहिए, इसका मतलब ये कम से कम यहाँ तक जाएगा तो ये एक वृत्त बन जाएगा। ठीक, और ये वाला जो है यहाँ से जाएगा और एक ये वृत्त बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इनके बीच की जो दूरी है वो त्रिज्याओं के योग से कम है। ठीक, ये पॉइंट देखिए आप,
तो ये कह रहा है कि वो दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे, अंतःस्पर्शी ये तो है नहीं, बाह्यस्पर्शी बाह्य से कुछ हो प्रतिच्छेदित करेंगी, यही हमारा आंसर सही है क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। अंक विन्यास 1, 5, 2, 10, -15, 4, 20 में विलुप्त संख्या है, ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। इसमें पूछ रहा है ये जो सीरीज लिखी हुई है, ये 1 के बाद 5 लिखा है, फिर 2, फिर 10, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, यही पूछ रहा है, फिर आगे सीरीज चल रही है। तो देखिए 1 1 के बाद कितना आया, यहाँ पे आएंगे 2, फिर देखिए यहाँ पे 5 के बाद 10 आया, फिर ये सीरीज आगे बढ़ गई, 10 के बाद 15 आ गया, मतलब 5 जुड़ गया, 5, 10, 15, 20, मतलब +5 हो रहा है इसमें, इसमें +5, फिर यहाँ भी +5, फिर यहाँ भी +5, ठीक। यहाँ पे 1 से आगे 2, फिर 2 से आगे आएंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 3, +1 हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी +1, फिर यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो +1 होगा 4, इसका मतलब हमारा आंसर सही है 3, 3 आंसर डी। यदि ए और बी घन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब a² + b² को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखा है, संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना दिया है, 4 और 5, निकालना क्या है, a² + b², ये 4 है a, ये 5 है b, तो a² + b² कितना हो गया, a² + b² ये कितना है 4, 4 का स्क्वायर + b 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौक 16, 5 पचे 25, कितना आ गया 16 25 41, 41 आ गया। तो कह रहा है इसको a² + b² को 6 से विभाजित करने पर, मतलब जो 41 आया है इसको हम अभी 6 से भाग भी देंगे, 6 से भाग देने पर पूछ रहा है कि शेषफल कितना आता है, तो 6 से भाग दीजिए, 6 7 42 हो गया, 6 6 36, 6 बार गया और बचा कितना, 5 बचा, हाँ शेषफल हमारा आ गया रिमाइंडर 5। कैसे आया देखिए, 6 को हम 41 में जब भाग देंगे, 6 6 36 कितना आया, 5 आया, यही तो है शेषफल, तो आंसर नंबर बी हमारा सही है। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, आइए देखते हैं, इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लगाएंगे, 10% की वृद्धि हो रही है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा होता है भुजा स्क्वायर, ठीक, मतलब 2 बार भुजा, तो यहाँ कह रहा है 10% की वृद्धि हुई है, ये कैसे करना है, 10% की वृद्धि हो रही है प्लस भुजा स्क्वायर है तो 10 और फिर प्लस 10 और फिर एक बार और, मतलब 2 बार 10 जोड़ेंगे और एक बार आपस में गुणा कर देंगे और फिर 100 से भाग दे देंगे, 2 0 से ये कट गया, यहाँ कितना बचा 10 + 10 + 1 1 कम 1, 10 10 20 से 21, हमारा आंसर आ गया 21% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 15 है, तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं मोहन की वर्तमान आयु, माना मोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, एक्स मान लेते हैं, ठीक। फिर कह रहा है मोहन की 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा है, अगर मोहन की आयु प्रेजेंट में ये है तो, अगर
5 वर्ष पहले मतलब जितना भी रहेगा उससे 5 साल कम कर देंगे, तो x माइनस 5 ये 5 वर्ष पहले, ठीक पूर्व हो गया, ये पूर्व हो गया। फिर कह रहा है 9 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट है और यहां से अब इधर जाएंगे तो 9 वर्ष बाद आगे के लिए हम जोड़ेंगे, तो x प्लस 9, ठीक ये हो गया बाद में और ये हो गया वर्तमान, ये है वर्तमान, ठीक ये प्रेजेंट है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो घटेगा मतलब पूर्व, मतलब जो पास्ट है जो बीत गया है, तो पूर्व का और बाद का दोनों का गुणनफल कितना है 15, तो x माइनस 5 गुणे कितना x प्लस 9, इन दोनों का गुणनफल कितना है 15 है, बराबर 15, ठीक तो इसमें गुणा करिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर यहां पे गुणा होगा प्लस 9x, फिर अब इसका गुणा होगा इसमें माइनस 5x, फिर इसका गुणा 9 में होगा माइनस प्लस माइनस 5 9 45 बराबर 15, ठीक। अब देखिए कितना आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहां पे हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए ये घट जाएगा 9 में से 5 गए 4 प्लस 4x, ठीक इधर कितना है माइनस 45, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 45 माइनस 15 बराबर 0, ठीक एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस ही लगेगा, 5 5 10 4 5 1 6। समीकरण को हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10x माइनस 6x, क्योंकि 10 6 60 भी आ जाएगा और 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक माइनस 60 बराबर 0, ठीक यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 10, यहाँ से हम कितना कॉमन लेंगे माइनस, सिर्फ माइनस कॉमन ले लेंगे कितना बच जाएगा, नहीं माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जाएगा एक्स प्लस 10 बराबर 0, ठीक तो अब इन दोनों में से एक्स प्लस 10 कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 10 कॉमन ले लेंगे फिर एक बचेगा कितना एक्स माइनस 6, ठीक बराबर 0। तो अब यहाँ से एक्स के दो मान निकलेंगे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये कितना आएगा एक्स प्लस 10 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स आएगा एक्स बराबर माइनस 10, और एज कभी भी माइनस नहीं होती इसलिए ये गलत है। फिर यहाँ पे एक्स माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर आएगा 6 साल, और वर्तमान आयु इसकी क्या है 6 साल, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। के घात 0.00032 के पावर 0.6 का मान बताइए, तो देखिए 32 कितने का है, अगर हम इसको 2 के पावर 5 कर देंगे तो 32 आ जाएगा, और देखिए 5 बार करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक 2 के पावर 5 है 1 2 3 4 5, तो 0.2 के पावर 5 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 0.6 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 5 32 हो गया और 5 अंक पहले 1 2 3 4 5 तो पॉइंट लगा दिए, ठीक अब हम इसको लिख सकते हैं 0.2 के पावर 5 के पावर में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6/10, ठीक क्योंकि इस 0 को हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक तो आइए इसको सॉल्व करते हैं 0.2 के पावर में 5 × 6 के पावर 10, ये कट गया 2 बार में कट गया, यहाँ से 3 बार में कट गया, कितना आ गया आंसर 0.2 के पावर 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 × 4 × 8 आएगा, ठीक और पावर 3 है तो 1 2 3
तीन अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 0.008 ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं यदि संख्याओं, ये तीन संख्या दी हुई है 5x9, 327 और 2y8 का योग इतना है, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1114 हो, तो x का महत्तम मान बताना है। संख्याओं का योग दिया है 1114, तो पहली संख्या कितनी है 5x9, दूसरी है 327 और तीसरी है 2y8। इन सभी का योग कितना है 1114 है, तो कह रहा है x का महत्तम मान, मतलब ये x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो कितना हुआ 9, 7, 16, 16, 24 का 4 हाथ लगा 2, और यहाँ पे सिर्फ x, y और 2 ही लिखा हुआ है, तो 2 और 2 4, 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 आना चाहिए, 4 हो गया है, और यहाँ पे 1 कब आएगा, जब यहाँ 11 होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस 4 में 11 से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7, यही हमारा x का महत्तम मान है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। दो संख्याओं का एलसीएम पता तो है नहीं संख्या, तो मान लेते हैं एलसीएम जो है एक्स, मान लेते हैं पहली संख्या जो है एक्स, पहली संख्या बराबर एक्स, ठीक, और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कैसा पता करेंगे, कह रहा है पहली संख्या एक्स है और दूसरी में कह रहा है उनके बीच का अंतर 10 है, तो x माइनस 10 दूसरी संख्या हो गई, x दूसरी कितना है x माइनस 10, और इनका गुणनफल कितना है 336 है, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू कितना 336, इधर लाएंगे इसको माइनस 336 बराबर 0। इस समीकरण को अब हम सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस, अब इसका यहाँ पे गुणा करेंगे 336, अब 336 को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 336 आए और घटाने पे 10 आए, तो कितना आएगा 24 और 14, ठीक। तो माइनस 24x अब प्लस कितना हुआ 14x माइनस 336 बराबर 0, 14 में 24 का गुणा करेंगे तो 336 आएगा और घटाएंगे तो 10 आएगा, और माइनस 24 इसलिए किया है क्योंकि जब प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए x स्क्वायर माइनस यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, x हम कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना x माइनस 24, और यहाँ पे 14 कॉमन ले लेते हैं प्लस 14, तो बचा कितना x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से x माइनस 24 दो बार है, इसको कॉमन ले लेते हैं x माइनस 24, और एक है x प्लस 14 बराबर 0, ठीक। तो ये हो जाएगा x माइनस 24 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, एक वैल्यू 24 आ गया, और दूसरा हमको निकालना है x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया कि 24, और 24 में दूसरी संख्या 10 घटा देनी है, तो 24 में से 10 गए 14, x बराबर कितना आ गया 14, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है 14 और 24। ये दिया हुआ है 4 की घात 61 प्लस 4 के घात 62 प्लस 4 के घात 63, ऐसे ऐसे 65 तक दिया है, फिर पूछ रहा है किस संख्या से
भाज्य होगा मतलब किससे कट जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। कितना दिया है, 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63, ऐसे ऐसे 65 तक दिया हुआ है। ठीक, 4 के पावर 65। अब यहाँ से देखिए, 4 के घात में 61 62 63 64 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 4 के पावर 61 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ कितना बचा, 1 प्लस यहाँ कितना बचा, 4 के घात 1 बच गया, क्योंकि 1 निकल गया, 62 था 1 निकल गया। फिर 4 के पावर 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 4 के घात 3, यहाँ पे 4 के घात 4 यही बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 4 के घात 61 यहाँ कितना बचा, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 के घात 3 256 आ जाएगा। ठीक, अब कितना है, 4 घात 61 इसको जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20 21, हाथ लगा दो, 1 6 7 7 5, 12 12 1 13, दो दो से था ना, 5 6 5 11, 1 12 और 12 2 14। ठीक, और यहाँ कितना बचा, 3 हो जाएगा, 341 आ गया। अब कह रहा है कि ये जो संख्या है वो किससे कटेगी, 3 से 11 से या 17 से या 19 से, तो चेक कर लेते हैं इसको। इसी संख्या से हमको पता चल जाएगा कि ये संख्या इससे कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। तो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं, 3 की भाज्यता क्या कहती है, सभी को जोड़ लेंगे, अगर वो संख्या 3 से कट गई तो समझिए 3 से कट जाएगी। तो देखिए, 4 3 7 7 1 8, 3 4 3 7 1 8, 8 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये गलत है। फिर चेक कर लेते हैं 11, 11 की भाज्यता क्या कहती है कि जो इवन और ऑड है, ये ऑड है ये इवन है, अगर इनका अंतर जो है ऑड और इवन का 11 आ जाए या तो 0 आ जाए तो संख्या 11 से कट जाएगी। तो देखिए, 3 1 4, ऑड का आ गया 4, इवन कितना है, 4 है ही, अगर हम इसको घटा देंगे तो 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 11 से दिए गए पाई चित्र, यह है पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मंदों में 1 महीने के लिए खर्च का विवरण है। यह है किसी परिवार का 1 महीने के खर्च का विवरण दिया है। यदि परिवार की कुल आय 35,000 है तो ईंधन, ईंधन कहाँ है, ये ईंधन तथा भोजन पर कुल खर्च कितना हुआ, ये ऑप्शन दिया हुआ है, कितने कितने परसेंट क्या है, 48% भोजन है, 13% किराया देता है, 11% कपड़े पे खर्च हो जाता है, ईंधन 10%, शिक्षा पे 16%, टोटल कितना हुआ, 48, 13, 11, 10 और 16 मिलाएंगे तो 98% है। अन्य दिया हुआ है, इसका मतलब अन्य 2% है, 2% ऐसा है जो कुछ और भी चीजें हैं, तो टोटल कितना हो गया, 100%। तो 100% दिया हुआ है, कितना उसका है, 35,000, 35,000 दिया है। तो पूछ क्या रहा है, ईंधन और भोजन पर, ईंधन ये है भोजन ये है, कितना हुआ, ईंधन 10% है, 10% प्लस 48% भोजन है, कितना हुआ, 48 10 58%। तो हम 58% निकाल लेते हैं, तो 58% का निकालेंगे, कितना हुआ, 35,000, 35,000 बटे में 100, और गुणे हमको निकालना कितना है, 58% का, तो 58 से गुणा कर देंगे तो 2 0 यहाँ कट गया। ठीक, कितना है, 58 में इससे गुणा करेंगे तो क्या बचा, 350 गुणे 58, इसका जब गुणा करेंगे
तो आएगा 20 300, 20 300, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इतना जो है वो ईंधन और भोजन पे खर्च कर देता है 20 300 रुपये। दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर बताइए। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए कोण मान लेते हैं कुछ भी, कोण मान लेते हैं एक्स, कोण मान लेते हैं एक्स डिग्री, ठीक। तो कह रहा है पूरक, पूरक कितना होता है, पूरक का मतलब होता है कि 90 से कम, 90 माइनस एक्स डिग्री, ठीक। फिर कह रहा है संपूरक, संपूरक क्या होता है, संपूरक होता है 180 में से कम, 180 माइनस एक्स डिग्री। फिर कह रहा है इनका अंतर बताइए, तो पूरक और संपूरक, तो ये संपूरक है जो बड़ा होता है, तो संपूरक 180 है, तो 180 माइनस एक्स, इसमें हम घटा देंगे किसको, 90 माइनस एक्स डिग्री को, 90 माइनस एक्स, ठीक। तो कितना आया, 180 माइनस एक्स, ये अंदर माइनस का गुणा होगा माइनस 90, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक। एक्स से एक्स कट गया, आया कितना, 180 में से 90 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यदि 102.7 को पी बाई क्यू के रूप के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो क्यों है। तो देखिए इसको पी बाई क्यू का मतलब है इसको परिमेय संख्या में बदलना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 102.7 को पी बाई क्यू मतलब अंश और हर के रूप में लिखना है, तो पूछ रहा है हर कितना होगा, क्यों, क्यों नीचे होता है और नीचे हर होता है, ठीक। तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे जब तो बटे में एक अंक है तो 0, और कितने पे है 10, 10 आ जाएगा, ये हटेगा जब तो एक लिख के जितने भी अंक होंगे उतने 0 लग जाएंगे, तो एक अंक है तो एक 0 लग गया, इसका मतलब ये हो गया 10 27 बटे 10, ये है पी और ये है क्यू। पूछा क्या है, क्यू, क्यू तो आ गया हमारा 10, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते हैं 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह धन कितना होगा। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो SI कितना दिया हुआ, ये है 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से, मतलब मूलधन P बराबर दिया हुआ है 600 रुपये, मूलधन दिया हुआ है, 4 वर्ष टाइम दे दिया है 4 ईयर का, और उसके बाद कितना ब्याज की दर रेट दे दिया कितना 2%। तो SI निकाल लेते हैं, SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T, P कितना है 600, रेट कितना है 2, समय 4 साल और बटे में 100, 100 से ये 6 बार में कट गया तो 4 दूनी 8, 8 6 48, कितना आया 48 आ गया। अब कह रहा है कि 720 रुपये हो जाता है कितना, 4 वर्ष बाद, तो आइए देखते हैं 4 वर्ष बाद 720 हो जाता है, तो हम हमारे पास 720 प्लस ब्याज कितना आया है 48, कितना हो गया 8, यहाँ पे हो गया 4 2 6 और 7, 768 रुपये, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या बताइए, ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं। किसी संख्या, मान लेते हैं संख्या एक्स है क्योंकि पता नहीं है, का मतलब गुणा 30%, 30%, ठीक। फिर कह रहा है उस संख्या मतलब ये जो माने हैं संख्या, इसी संख्या से 3/4 से, इसी संख्या के 3/4 से कितना 63 कम है, माइनस 63 कर देंगे, यही इक्वल कर दो, तो वह संख्या पूछ रहा है कि कितनी है, इसको सॉल्व करते हैं। 30 x/100, यहाँ कितना हो गया 3 x/4 माइनस 63, एलसीएम ले लेते हैं इसका,
30x/100 बराबर कितना होगा? एलसीएम अगर लेंगे हम, 4 आएगा एलसीएम, 3x माइनस कितना आएगा, 4 3 12, 4 6 24 25, 252 आ गया। ठीक, अब इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका इधर, ठीक, कितना आ गया यहाँ, 30x/4/4 बराबर 100 का इसमें गुणा करेंगे, 300x माइनस 100 का करेंगे कितना आएगा, 252 00, 252 00 ये आ गया। इसी को अब सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए x को x की तरफ कर लेंगे, ठीक, तो ये हो गया 4 3 12, 120x, 120x बराबर कितना हो गया, 300x, 300x माइनस कितना, 252 00, 252 00, ये यहां तक है। हम लोग इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको x की तरफ ले जाएंगे, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180x बराबर 252 00, ठीक, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 18 से कट जाएगा, 18 से काटते हैं कितनी बार में, 18 एकम 18, यहाँ कितना बचा, 7 बचा 72, 58 54, 140 बार में कट गया। इसका मतलब हमारा आंसर नंबर बी सही है। 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या क्या होगी, मतलब 30 घंटे में कंप्लीट करने के लिए हमको कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, यह टाइम एंड वर्क का सवाल। आइए सॉल्व करते हैं। 15 मजदूर दिए गए हैं, 15 मजदूर कितना 48 घंटे में बनाना है, फिर कह रहा है 30 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, मान लेते हैं एक्स मजदूरों की आवश्यकता होगी, ठीक, तो इसको काटिए, 15 दूना 30, 30 से कट गया, आइए 24 दूना 48, हमारा कितना आ गया, एक्स बराबर, सॉरी कितना आ गया, एक्स बराबर 24, 24 मजदूरों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर वन, न्यूनतम अंक एक्स है जिसके लिए संख्या यदि हुए है 3 2 4, एक्स 3 4 2 11 से विभाज्य होगी, इसका मतलब ये एक्स जो है, ये एक्स यहाँ पे इनमें से कौन सी एक संख्या रखी जाएगी ताकि वो 11 से विभाज्य हो जाए। आइए इसको देखते हैं, 11 की भाज्यता देखिए, कहता है 3 2 4 x 3 4 2, 11 की भाज्यता क्या बोलती है कि जो ऑड नंबर्स होते हैं, ये ऑड नंबर्स जो 1 3 और 5वें स्थान पे होते हैं, ये ऑड नंबर हैं, इन सभी का योग कर लेंगे, ठीक, इन सभी का योग कर लेंगे कितना हुआ, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना आया, 4 3 7 7 3 10 2 12 आया, ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक। फिर इवन, इवन का क्या मतलब है, जैसे दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे और छठे स्थान पे, ये सब हैं, फिर 8वें स्थान पे, आगे अंक ही नहीं है, कितना हुआ, 2, यहाँ पे तो पता ही नहीं है, 4 2 6 हुआ है, 2 प्लस x प्लस 4 कितना हुआ, 4 2 6, अब इन दोनों में कह रहा है घटा देंगे, इवन मतलब घटाना है, तो 12 में से 6 घटा देंगे कितना आया, 6, लेकिन ये 11 की भाज्यता ये कहती है या तो यहाँ पे 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि यहाँ घटाने पे यहाँ पे 0 आ जाए या फिर 11 से कट जाए, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कितना है, 6, तो हम यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो 4 2 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम रख देखते हैं एक्स की जगह पे 6 हम रख देते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, 6 रख के, ठीक, 6 रख के चेक कर रहे हैं,
यहाँ कितना पे आ गया, 12 आ गया। तो कहता है कि ऑड और इवन माइनस कर देंगे, कितना आया, 0। तो ये 11 से विभाज्य होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बटमोस का एक सवाल देख लेते हैं। तो बी ओ डी एम ए एस बॉडमोस होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है बी का मतलब ब्रैकेट, जैसे ये सब ब्रैकेट लगे हुए हैं। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ ऑफ। फिर डी का मतलब डिवाइड होता है, मतलब भाग देना। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना। ए का मतलब होता है ऐड, मतलब जोड़ना, एडिशन। और ये एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना होता है। ठीक, तो इसको बॉडमोस से सॉल्व करते हैं। एट सबसे पहले बी है, मतलब सबसे पहले हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, और ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, 8 माइनस कितना आ गया यहाँ, 7 माइनस 9/2 माइनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर हम एक ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम 2 आ गया, 4 दूनी 8 माइनस कितना, 7। अब जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है उतना हम लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे आ गया 8 माइनस 7 माइनस 9/2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2, ठीक, ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, अब ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 माइनस ये कितना हो गया, 7 माइनस। अब यहाँ पे एलसीएम तो 2 ही आ गया, इसलिए ऊपर वाला घटा लेते हैं, 9 में से 1 गए, 8, 8/2, ये हो गया। इसको अगर हम भाग दे देंगे 2 से तो 4 आ जाएगा, तो 7 में से 4 गए, 3 आएगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कितना है, 8 माइनस, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा है कितना, माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट। यहाँ पे काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, 2 चौक 8, और 7 में से 4 गए, 3 आ जाएगा। ठीक, और 8 में से 3 गए 5 आएगा, हमारा आंसर 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है √3(x)/(27)= 9, कह रहा है ये x की वैल्यू बताना है, तो अंडर रूट को हटाना पड़ेगा सबसे पहले, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे √3(x)/(27), इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर 9 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो स्क्वायर करने पे ये अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3(x)/(27) = कितना, 9, 9, 81। ठीक, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 3(x)/(x)= कितना आया, 81(27)। 3(x)= कितना हो गया, ये हो गया 3(4). 3(4) इंटू ये कितना है, 3(3), 3 3 9 3 27, 27 3 81। ठीक, तो 3(x)= 3(, अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं, 4 3 7 आ गया, तो बेस हमारा समान है, इसलिए x=7, x=7 आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, 3528 बराबर इतना दिया हुआ है, तो पूछ रहा है एक्स वाई जेड का मान। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, 35 और 28 इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, कितना आया, 2 एकम 2 15, 2 7 14, 2 6 12, 2 6 8, फिर 2 से 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, फिर 2 से 4 4 1। ठीक, अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ 14, 3 चौक 12, यहाँ 21, 3 7 21, फिर 3 से 3 चौक
बारह तीनों सत्ताईस, फिर सात से सात सत्तावन चार, फिर सात से एक। ठीक, कितना आ गया? दो दो दो, तीन बार है दो, एक दो तीन, फिर दो बार है तीन, तीन बुढ़े तीन, फिर दो बार है सात। ठीक, कितना आ गया? दो के घात तीन, तीन के घात दो, सात का स्क्वायर है। देखिए लिखा हुआ है टू के पावर एक्स गुड़े थ्री के पावर वाई गुड़े सात के पावर जेड। देखिए दो तीन सात, दो तीन सात, एक्स एक्स की वैल्यू तीन, एक्स बराबर तीन, वाई बराबर दो और जेड बराबर दो आ गया। ठीक, फिर कह रहा है इन सभी को जोड़ना है, एक्स वाई जेड को अलग अलग जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? दो दो चार तीन सात, सात आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।